ग्राम प्रधान के लापरवाही से नहीं मिल रहा गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत महुलार ग्राम में चमन कोल व कृष्णावती कोल और अन्य ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे यहाँ 50% निसहाय गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना व शौचालय जैसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस बात को लेकर ग्राम प्रधान अनारकली से कई बार कहा गया, लेकिन आश्वासन देती है कि आज आ जाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। और चमन से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे यहाँ बिजली और पानी की भारी समस्या है। हम लोगों के यहाँ 2 किलोमीटर दूर पर ट्रांसफार्मर बैठाया गया है और यहाँ बिजली बहुत कम उपयोग में आ रही है। इस बात को लेकर के उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके लिए जांच किए और बोले कि खंबा और ट्रांसफार्मर लगवा दिया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं लगाया गया। मीटर लगा दिए गए हैं और एक साल के अंदर किसी का 5,000 तो किसी का 10,000 समझा जाए तो मनमानी ढंग से बिजली का बिल बिजली विभाग अधिकारी भेज रहे हैं, जिससे गरीब ग्रामीण परेशान हैं। इस बात को लेकर प्रयाग एफएम न्यूज चैनल के माध्यम से भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार जिलाधिकारी महोदय से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को यह सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। प्रयाग एफएम न्यूज के लिए मिर्जापुर से भूप नारायण मौर्य की खास रिपोर्ट है कि शायद उससे अच्छा तो दिया जलता है। हाँ, यहाँ से ट्रांसफार्मर 2 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ, इस बात को लेकर इसे एसडीएम साहब को या किसी बात को लेकर अवगत कराना चाहिए। साहब को भी अवगत करा गया, अपन दिए थे, इसके बाद यही साहब आए, सर्वे हुआ कि जहाँ खम्भा नहीं है वहाँ पे खम्भा गाड़ दिया जाएगा, ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा, भाई तुम लोगों की यहाँ बिजली मिलेगी। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हुआ, जबकि कई वर्ष बीत गया। हाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर ट्रांसफार्मर दूरी है, हम लोगों को बिजली नहीं मिलती है, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है, एरिया काफ़ी ज़्यादा है। अभी सौभाग्य योजना वाले आए तो बोले कि भाई जिसके यहाँ खम्भा नहीं है तो कनेक्शन करा लो, खम्भा हो जाएगा। अब खम्भा कनेक्शन तो कर दिए, मीटर भी दे दिए। हाँ, मीटर घर पे लोगों को रखा है, बिल उनको दे दिया गया। अच्छा, बिल कितना आ गया लगभग? किसी का 5,000 तो किसी का 10,000। हाँ, ये बिजली विभाग वाला बिल दिया गया। कितने दिन में आया है? कितने दिन में? अब लगभग एक वर्ष, लगभग एक वर्ष में किसी का 5,000 बिल आ गया, किसी का 10,000 बिल आ गया। मतलब मीटर लिया कर रख दिए, लगा भी नहीं, नहीं जिसे खम्भा भी नहीं गाड़े, तो दूर से आप लोग तार खींचे होंगे? दूर से तार खींच कर अपना काम चला रहे हैं, जो कि जिसका कनेक्शन हो गया उसको मट्टी तेल मिल रहा। मनमानी ढंग से बिल, मनमानी ढंग से। हाँ, अभी देखिए खम्भा गाड़े हुए हैं, जबकि बहुत जहाँ ट्रांसफार्मर लगा है वहाँ से सिर्फ 300 मीटर दूरी पर एक ट्रांसफार्मर लगा कर फिर चले गए। यहाँ 2 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ नहीं लगा, नहीं लगाया। हाँ, न तो कोई खम्भा। अच्छा, ठीक है, आइए। इधर सबसे बड़ी समस्या यही है। देवी जी, क्या नाम है आपका? कृष्णावती नाम है। कृष्णावती, ये बता रहे हैं काफ़ी लंबी समस्या आप लोगों की है शौचालय को लेकर के और जो है बाथरूम। हाँ, सर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? सर, हम ये कह रहे हैं कि हम एक समूह सखी हैं। हाँ, और तो गांव गांव घूम के फील्ड में रहते हैं और वहाँ पे जाते हैं। कौन से योजना से समूह सखी हैं? ये ग्रामीण आजीविका स्वयं सहायता समूह, जो जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चल रहा है उसमें। तो आप चहल टहल कर लोगों महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, काम करवा रही हैं, तो अब फिर इसमें क्या समस्या है? समस्या है सर कि जो चपाकल देखते हैं कहीं जिस फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे चपाकल बना है और वहाँ तो बहुत गंदगी है, अलियार कुतियार है, और तो शौचालय जो स्नान घर जो बोलता है वहाँ पे नहीं बना है। अनेक जितने हैंडपम्प यहाँ मैंने अब क्षेत्र में टहलती हैं बने हैं, वहाँ स्नान घर नहीं बने हैं, कुछ नहीं बना है वहाँ पे, ऐसा ये असुविधा है महिलाओं के लिए। अच्छा, ये बताइए सभी लोग, इतने लोग हैं, सभी को आवास नहीं मिला? सभी को बाथरूम नहीं मिला है? सभी लोग अपने प्रधान से बात किए थे कि नहीं? करे थे, लेकिन मिला नहीं, नहीं। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दे। हाँ, तो दाऊ, अभी कुछ महिलाएं कह रही थी मांग को लेकर के, जैसे इस चैनल के माध्यम से आप इन लोगों के मनसा को जाने हैं कि इस अधिकारी से क्या मांगना चाह रहे हैं? हम तो सरकार से मांग रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ जो शौचालय नहीं बना है शौचालय को बनवा जाए, आवास दिया जाए गरीब आदमी को, और बिजली का व्यवस्था ठीक किया जाए। अच्छा, ठीक। ये ताकि हमारे आप कौन से सरकार से मांग रहे हैं? भारत सरकार से? भारत सरकार से भी कर रहे हैं, ज्यादातर उत्तर प्रदेश सरकार से कर रहे हैं। तो अपने उच्च अधिकारी भी यहाँ से भी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहते हैं, डीएम साहब हैं, जिले के मालिक हैं। जी जी।
हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ शौचालय बनवा दें, आवास जिनको नहीं मिला है मिल जाए। हम लोगों के यहाँ बिजली का व्यवस्था इतना गड़बड़ है कि हम लोगों के बच्चे बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं। बिजली का व्यवस्था भी ठीक करवा जाए, पानी यही गढ़ी से पीते हैं। डीएम साहब इस कुआं को भी ठीक करवा, डीएम साहब से हमारा ये कहना है कि इस कुएं को बनवा दे, अगर इस कुएं को बनवाए या फिर हैंडपंप की व्यवस्था करवा, या तो हैंडपंप की व्यवस्था करवा दें सर। ये डीएम साहब से हमारा मांग है। चलिए, जानकारी में बहुत बहुत धन्यवाद।